अभी अभी मैं फाइनल्स देख के हटा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बट अगर तुम देखोगे तो इंडिया का भाई वर्ल्ड कप में बनो तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अब तक का। बट हमारे स्ट्रीमर्स जब आमने सामने होते हैं तो तब किसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है? मैं परफॉर्मेंस क्यों कर भाई। ओके यहाँ पर एक भैया है महंगी गाड़ी में अपने दोस्त को बिठा करके जा रहे हैं, इंजेक्शन मार रहे हैं ये कौन सी गन है भाई? 2022 season comes to an end. 2023 भी खत्म हो गया? Thank you for the happy. भाई अभी डेढ़ महीना अभी से ऐसी गंदी फीलिंग मत दो भाई, ऐसा लग रहा है भाई 2023 भी खत्म होने वाला है कैब गैंग। मैं 16 साल का था जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, मैं अब 23 का हूँ। My God! भाई साहब टाइम कैसे जा रहा है भाई, उड़ करके पता भी नहीं चल रहा है यार। ऐसा लग रहा है 2 दिन में 100 साल का हो जाऊंगा। नेवर माइंड, ये क्या है? सारे के सारे 100 लेवल के अकाउंट आ गए यहाँ पर। ओके जी अपनी सेटिंग्स दिखा रहे हैं एडिट करके 240 FPS 16K भैया जी गोल्ड बेच रहा आप तो। ओके यहाँ पे चलती बग्गी में उसकी बग्गी में बैठ गया अपनी बाइक सुपर करके एंड एनिमी के साथ बुरा हुआ यार। मेरे को लगता है पेड़ प्लेयर होगा भाई, वो ऐसे फ्री फोकट में तो मरेगा नहीं उड़ती गाड़ी में। मेरे को फीलिंग यार इसको कैंपर मारेगा बहुत गंदे तरीके। ओ विक्टर वेट कर रहा है इसका, विक्टर को मारा। ओ ओ डीबीएस कैंपर, अरे भाई ट्रिपल विक्टर कैंपर भाई। मेरे को लग रहा था वो पता चल गया था कि विक्टर बजाया ऐसे। और अरे ये बढ़िया हेडशॉट मार रहा लौंडा। यूजुअली टीडीएम प्लेयर्स पता नहीं अजीब अजीब तरीके से मारते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में सही तरीका हेडशॉट मारने का। तुमको अपने मूवमेंट माइक्रो मैनेज करनी पड़ती है और यू नो अपनी एडीएस सेंसिटिविटी कम करो भाई, पागलों की तरह हेडशॉट मार दो। क्या प्लेयर आया, अबे सेम प्लेयर है भाई, सेम टीम के एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। दो कीड़ी का नशा करते हैं, आपने गोली मारी नहीं मारी, क्या किया आपने? अच्छा वो गाड़ी के नीचे बम लगा करके आसमान मोड़ने की ट्रिक बता रहे हैं क्या भैया, देख लो। आगे सवाल, आपने एक तो ग्रेनेड 1 घंटे बाद फेंका जो फट नहीं वाला था, थोड़ा पहले फेंक के ऊपर चढ़ो तो भाई, ऊपर चढ़ते तो बम फट गया तो आप कैसे नहीं फटोगे। ओहो हो ये तो गंदा ही मार दिया, उसको उम्मीद भी नहीं होगी। लेवल 2 लेवल 3 लेवल 1 किसी का बैग नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अच्छा बैग पे गोली लगती है, हाँ पता है गोली लगती है। तो टीडी में बिना बैग के खेले आप कह रहे हो? अच्छा क्या कहेंगे, टीडी में बिना बैग के गोली मतलब ना बिना बैग के। देखो वैसे भी ऐसे एंगल पे कौन ही खड़ा होता है टीडीएम में, ऐसे एंगल पे गोली कौन मारता है, साइड से कौन गोली मार रहा है भाई तुम्हें? मतलब अगर तुम्हारे पे हेडफोन नहीं है तो हाँ तब पॉसिबल है, बट किसी में भी हेडफोन होगा उसको पता है प्लेयर कहाँ से आ रहा है तो वो तो सामने सामने की 1v1 फाइट लेगा ना भाई। ये बंदा भाई एडब्ल्यूएम चिपकाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एनिमी ने M4, अरे भाई उसने M4 पूरी कहाँ मार दिया आसमान में, और वो भाग रहा है, वो नाइफ से भाग रहा है, वो गिर के मर जाएगा डुबड़ी का। भाई कुछ नहीं हो सकता इनका भाई, वो क्या पर एक प्लेयर आया AWM लेकर के, अरे अरे साथ में बाइक पे बैठा हमने प्लेयर के पीछे उड़ा आसमान की हवा में उड़ता हो गया, नीचे एक प्लेयर को नॉक करा, लेट्स गो बॉय। बढ़िया मारा वैसे इसने, अब मिलिट्री बेस में आगे उड़ के। ओके गोली भी तो मारो दोस्त। तो सबसे पहले क्लच तो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं, क्लच बोल लो या फिर स्ट्रीमर बैटल बोल लो यार तुम, फिट्स भैया का फिट्स यू नो स्ट्रीमर्स के अगेंस्ट है, बट इसके पास डीपीएस तो तुम्हें समझ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। भाई देखो अब यहाँ पर ये स्लेयर के खिलाफ आई थी, ठीक है फिट्स यहाँ पर अकेला था, देखो तो फिट्स अकेला तो स्लेयर की लाइनअप के खिलाफ था। अब बात ऐसी थी कि फिट्स ने ना डीबीएस ले रखी थी और इन्होंने क्यों पता नहीं इनकी लाइनअप में सोचा क्यों ना अगेंस्ट टीपीपी टीबीएस को रश करा जाए भाई, मतलब एक तो अगेंस्ट टीपीपी वो भी डीबीएस को, वो भी फिट्स के हाथ में। तो नाम क्या कंगारू मैन, ओके नेवर माइंड आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया भाई। एनीवेज नेड निकाला है इसको लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे फॉल बैक कर रहा है, हल्का सा नीचे कूदा बट नीचे से एंगल बनाने का ट्राई कर रहा है, एक डैमेज दिया भाई बहुत प्लेयर को। अब देखते ओ राइट से रश कर दिया एलएमजी वाले ने, डॉक्टर मारा फिर से भाई, बहुत गलत क्लच भाई, मजाक सर के करियर एंडिंग क्लच था भाई ये।
ये 1v2 बहुत अच्छा था, मजा एक्सेप्टी बहुत अच्छा था भाई, फिर से बहुत अच्छा खेला, मतलब स्लेयर की लाइनअप भी ठीक खेल रही थी, बट उनको इतना रश नहीं करना चाहिए था यार, तो किल की बुक एंड केडी का लालच अच्छे अच्छे प्लेयर्स को थोड़ा सा अंधा बना देता है। अभी देखो अच्छा अंदर वाले प्लेयर की एचपी एलएमजी वाले से भी कम, बहुत लो मार यार, हट गए वो, क्या अगली फाइट निकल के आ रही फिट भैया के यहां पर एक और स्ट्रीमर के खिलाफ। अभी तो तुम्हें भाई एक मेन बैटल दिखाएंगे जो तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी, हम डायनेमो वर्सेस रेगोल्टोस भी कवर करेंगे थोड़ी देर में। ही हैड नो वेस्ट एंड बैड स्पॉट, अरे उसको पता ही नहीं था प्लेयर एक्चुअली वहां पर से, फिट्स ने बस एंगल बना के मार दिया से। ओके कोचिंग की माया फिट्स, यहां पर ऊपर एक प्लेयर भाई बैठा हुआ था। ओके ओ फिनिश हो गया वो, अरे अरे वो लोग वापस आ गए। ओके ये स्ट्रीमर वापस आया जिसके साथ अभी लड़ाई हुई थी पहले, जिसको फिट्स ने अभी नॉक किया था थोड़ी देर पहले। अरे भाई साहब स्ट्रीमर बहुत तेज है भाई, क्या उड़ के आया एकदम रॉकेट की तरह, बट बस जज्बा जिंदगी बदल दिया भाई फिट्स ने एलएमजी से भाई, बहुत एग्रेसिव रश था इनका, बट यार वो ना क्या ही बोले, थोड़ी किस्मत खराब बोल लो, किड्स की लोकेशन भी अच्छी थी ना इनको मारने के लिए, और एलएमजी थी भाई बहुत अच्छा मारा खेल रहे हैं दोनों टीम ही, होल्ड करके खेल रही है। फिट्स ने मॉली फेंकी एक अंदर भाई, फिट्स फुल आग लगाने के मूड में हां, पर लेफ्ट साइड से आवाज आई फुटस्टेप और डैमेज भी पड़ा है फिट्स को ग्रेनेड से, बहुत रैंडम ग्रेनेड कहां पड़ा फिट्स को, डैमेज कहां पड़ा सेंस भी नहीं है, बट एनीवेज ओके टीपी लेके फिट्स, ओहो भाई 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 फिट्स का भी एक प्लेयर नॉक है, फिनिश करा उसे फिट, सबको मार के बोलते वाजंट अ फेयर फाइट, वाजंट अ फेयर फाइट फिट्स भाई, PUBG इज अनफेयर, PUBG कभी फेयर बना ही नहीं था, गेम ही अनफेयर है भाई, लग पे चलता है कि किस पे गन मिलेगी किसको गन। ओ क्या पे अगली फाइट निकल के आ रही, डायनेमो वर्सेस रेगोल्टोस की, अब ये फाइट देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है दोनों उतरे हैं चिकनी चमेली पोर्ट चिकनी में और चिंकी में। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि ये लोग थोड़े मिडिल कंपाउंड्स की तरफ उतरा है गाइस, डायनेमो के स्क्वाड एंड रेगोल्टोस उतरा है ग्रीन हाउसेस के पास, ये लोग रोटेशन कर रहे हैं सामने स्मोक आ रहे हैं, डायनेमो के सामने से रेगोल्टोस भाग के जाएगा भाई, डायनेमो खुले में स्प्रे मार देगा इसे सामने, ओ भाग गया बच भी गया, दूसरे प्लेयर को डैमेज पड़ा है। ओके अब डायनेमो यहां पे राइट साइड से रश कर रहा है, डायनेमो भाई फुल एग्रेसिव रश करता हूं लेकिन अबे वाइप पर टीपी भी ले रहा है, अरे 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 भाई भाई टीपी भी ले रहा था वाइप पर, वेट कर रहा था और लेफ्ट साइड से रेगोल्टोस ने फिनिश भी कर दिया ऑन द स्पॉट, अरे अरे बहुत बहुत गलत हुआ डायनेमो के साथ। बट अब हाइड्रा वर्सेस सोल की फाइट यहां पे हो चुकी है भाई फुल, और हाइड्रा का एक और प्लेयर नॉक, कोई नहीं अरे हाइड्रा शायद से फाइट नहीं जीत पाएगी भाई, ये पूरी हाइड्रा की टीम है, हां ये बंदा डीपी का फुल पीपा मारा लेकिन लेफ्ट साइड से वाइपर ने पकड़ लिया इसे भी, अरे भाई अब तो ये फाइट जीत की हाइड्रा के लिए गुड टू थोड़ी सी टफ हो गई, अब मतलब अकेला प्लेयर बचा हाइड्रा निश्चय बचा है, वो देखते किधर है, हाइड्रा निश्चय पे स्टक के है, अरे मत आओ तोल वालो मत आओ, देखो एक प्लेयर तो नॉक फिनिश डायरेक्ट हो जाएगा, मत आओ देखो किल की भूख एंड केडी का लालच यहाँ पे सोल को अंधा बना देगा, अरे भाई वाइपर गया, देखो एस्ट्रल की और डीपीएस किसके पास होती है उसको कोई नहीं रोक सकता भाई, चाहे वो आखिरी प्लेयर क्यों ना हो स्क्वाड का उसके पास मत जाओ दोस्तों, बहुत गंदा मार देगा, और इनको कोई तीसरी स्क्वाड ने मार दिया, रोटेशन करके आए थे वो कैंप कैसे कर रहे थे, तुम तो वहाँ खुद उतरे थे वो लोग तो बाद में आए हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो लोग कैंप कर रहे थे, मेरे को लग रहा है कि वो लोग वहाँ पे रोटेशन करके, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई, एक ही मार रहा है उसको, आई डोंट बिलीव दिस, वो रेंडर भी कैसे हो रहा है, मीटर आधा किलोमीटर दूर गोली मार रहा है भाई ये लौंडा, वो रेंडर कैसे हो रहा था पहली बात तो पता नहीं था, तू रेंडर होता नहीं है
गाड़ियाँ रेंडर हो जाती है, गाड़ी फोड़ी एक्चुअली बंदे को गोली नहीं मारी, बंदा रेंडर करता था तू, गाड़ियाँ रेंडर हो जाती है। ओके नॉट बैड, बढ़िया स्प्रे मारा, डिलीट कर दिया जान सट के, इसको भी डिलीट कर दिया भाई, डायरेक्ट हेडशॉट मार रहा है 4x के साथ। इसकी वीडियो देख के आया भाई। भाई पागल पागल प्लेयर है, पागल प्लेयर है। देखो जो एक होता है प्लेयर जो क्लोज रेंज में हेडशॉट मारते हैं, फिर ये जो प्लेयर होते हैं ना जो लॉन्ग रेंज में भी हेडशॉट मार रहे हैं, इसका तो कोई मेरे को पता ही नहीं आइडिया कि ये होता कैसे, क्योंकि मुझसे कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम तो लॉन्ग रेंज में बॉडी शॉट ही मारते थे, ये लोग हेडशॉट कैसे मार रहे हैं लॉन्ग रेंज में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना, मेरे को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि ये होता कैसे है। अयो भैया इसकी तो एचपी गई, बट इसने मुंह पे हैंड डिलीवरी कर दी ग्रेनेड की, वाह भाई वाह। इसी के साथ कैम ये तो तुम्हारा स्ट्रीमर बैटल, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ भाई क्या तुम कभी किसी स्ट्रीमर के अगेंस्ट आए हो 1v1 में, बट टेक हैव अ ग्रेट टाइम मैं and blink up with a brand new video and peace out. Ladies and gentlemen, can I please have your attention and all of you to stop what you're doing.